Hello friends, this is me Dr. Siddharth Arora and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My friends, we are continuing with a very important crash course. Or is crash course mein, in a very limited period of time, we are about to, at least we are attempting to cover the majority of your syllabus. So, is syllabus ko complete karne mein, main chote chote parts mein pura ka pura polity, governance and international relations complete karne ki koshish kar raha hun. So, you're most welcome to take full advantage of this part. So, दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा और अन अकेडमी की दुनिया में मुझे सिड लाइफ कोड से जाना जाता है। ये मेरा कोड है। जब भी तुम कोई भी प्लस क्लास लो, जब भी तुम कोई भी कॉम्बैट क्लासेस का पार्ट बनो या फॉर दैट मैटर कोई भी स्पेशल क्लास अटेंड करो, मेक श्योर दैट यू यूज द कोड सिड लाइफ। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू रिमेंबर मी एज द कोड सिड लाइफ, सो दैट अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे एंड यू वॉन्ट अ डिस्काउंट राइट, तो तुम्हें सेट लाइफ कोड यूज करते ही तुमको 10% इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो एक बार अगर आप अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे और उस अन अकेडमी के ऐप को डाउनलोड करते ही तुम्हें मेरे प्रोफाइल सेक्शन पे जाओ, तो मेरा नाम सर्च करो, उसको प्रोफाइल सेक्शन में जाओ तो तुमको बहुत सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। सो द कोर्स जिस तरह से इस तरह का कोर्स होगा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी, अब उसमें नाम बदले जा सकते हैं बट वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी होगा, पॉलिटी से रिलेटेड कोर्सेज होंगे। सो जो पॉलिटी कोर्स होगा उसमें मैंने ए टू जी सारा का सारा पॉलिटी कवर किया हुआ है इन सो मच डिटेल दैट तुम्हारी रॉक सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से लेकर ऑल द वे टिल कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स ऑन करंट अफेयर्स मैंने उसमें किया हुआ है। एक और ग्रुप ऑफ कोर्सेज तुम्हें दिखाई देंगे जिस विच इज डीलिंग विद कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस कोर्सेज, इसमें भी मैंने ऑल द वे चाणक्य से लेकर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस से लेकर अभी तक जो लैटरल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है सारा का सारा सिविल सर्विस एंड डेमोक्रेसी एवरीथिंग वी हैव डन दिस पार्ट, सो तुमको वो एक और ग्रुप ऑफ कोर्स दिख जाएगा। फिर थर्ड टाइप ऑफ कोर्सेज जो आपको उसी में दिखेंगे विल बी कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशंस राइट। सो इंटरनेशनल रिलेशन भी मैंने ए टू जी कंप्लीट किया हुआ है। नाउ ये हो गया आपका GS2 का पार्ट राइट। फिर मैंने तुम्हारे लिए एक और टाइप ऑफ कोर्स लाया विच इज द ऑप्शनल कोर्स ऑफ PSIR। तो ऑल दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग और चूजिंग PSIR एज एन ऑप्शनल, ये भी कम्प्लीटली किया जा रहा है और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ये अभी हो रहा है, सो इट इज अ लाइव थिंग हैपनिंग। मैंने जानबूझ के इसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि तुमको कभी बोझ ना लगे एंड यू एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट कम्प्लीटली। और इन सारे के सारे पोर्शंस में बार बार आंसर राइटिंग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हारी होती रहेगी, तो अलग से तुम्हें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज रिमेंबर द कोड सेड लाइव SIDLIVE। फिर चाहे तुम प्लस क्लासेस लो, चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस लो जिसमें कि तुमको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा, स्टडी ट्रैकर मिलेगा, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू 14th अप्रैल यानी कि आज तक अगर आपने अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लिया तो तुमको बुक्स और स्टडी मटेरियल विच हैज बीन मेड बाय द UPSC एक्सपर्ट्स ऑन अन अकेडमी टॉप एजुकेटर्स वो भी तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो भाई तुम्हारी तो मजे हो गई। सो दोज ऑफ यू जिन लोग ने ऑप्शनल अभी तक चूज नहीं किया और जो चाहते हैं कि मेरे साथ PSIR का ऑप्शनल भी करें, तो तुम नोटिस करो पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशन ओके प्लस PSIR, अगर तुम इसको प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स कंबाइन करके देखोगे तो करीब करीब 750 मार्क्स का काम सिर्फ इस एक कोड SIDLIVE से हो जाएगा। ये अन अकेडमी पर लार्जेस्ट टीम है और मैं तुम्हें चाहूंगा कि तुम्हारे थोड़े पैसे बच जाए तो ऑप्शनल कॉम्बो ले लो, इससे फायदा ये होता है कि यू विल गेट ह्यूज डिस्काउंट। तुम नोटिस करो 29 से लेकर 42% ऑफ है डिपेंडिंग अपॉन कि तुम कितने साल का कोर्स ले रहे हो। ऑल्सो अन अकेडमी हैज इंट्रोड्यूस व्हाट इज कॉल्ड एज लास्ट माइल प्रोग्राम, जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है फॉर ऑल ऑफ यू। सो चॉइस तुम्हारी है, योर वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स टेक अ वाइज डिसीजन नाउ। सो हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं दैट इज द अचीवर्स कोर्स, और अचीवर्स कोर्स एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू विल बी अ क्रैश कोर्स ऑफ सॉर्ट्स। अब इसमें करना कैसे, ऐसे इस जो तो तरीका है वो भी तो मैं ही बताऊंगा, थोड़ा तुम खुद ही अपने आप से करोगे, तो मैं भी तो वही बता रहा हूँ कि डोंट ट्राई एंड कलेक्ट फैक्ट्स ओके। सिर्फ फैक्ट्स कलेक्शन करने का कोई फायदा नहीं है, इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स सर्च करो।
सो यू मस्ट हैव इंटर कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स। अगर इंटर कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स नहीं किया जाएगा सारी कहानी बर्बाद हो जाएगी। सो मेक श्योर दैट यू इंटर कनेक्ट द फैक्ट्स, ओके। और ये मैं तुमको इसी क्लास में सिखा दूंगा, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स अन अकेडमी में आते हैं और फिर उनको क्या उस फाइट उस मेहनत के साथ साथ क्या मैं सिखा देता हूँ कि वो इतने बड़े चैंपियंस हो जाते हैं कि फिर वो हारते नहीं है। सो प्लीज उन एस्पिरेंट्स की तरह से मत रहो जो केवल मेहनत करते चले जाते हैं और उनको वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं आती। सो प्लीज डू दिस फेवर टू योर ओन रियलिस्टिक चांस, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट टिल द लास्ट डे। तो जो नीचे दिख रहा होगा ज्वाइन माई कोर्सेज बाई यूजिंग स्पेशल कोड SIDLIVE एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माई कोर्स। सो आज हम जो करेंगे दैट इज प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल के बारे में करना क्या है, अब मेरी बात प्लीज ध्यान से समझो, राइट एंड अंडरस्टैंड दिस। प्रीएम्बल के क्वेश्चंस इतने सारे आते हैं, मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी स्लाइटली एरोनियस, आई एम हैप्पी टू बी करेक्टेड, लेकिन सिंपल ये कि ऐसा शायद ही कोई साल गया है इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और एग्जामिनेशन रादर कि प्रीएम्बल पे क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं आए, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली नॉट देयर। ऐसा कोई दिन ही नहीं गया, ऐसा कोई साल ही नहीं गया, और नॉट ओनली इन यूपीएससी बट ऑल्सो इन पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स उनमें भी, राइट, मेरे ख्याल से CDS के एग्जाम में भी प्रीएम्बल तो पूछा ही जाता है। द रीजन टू देयर इज कि प्रीएम्बल की बड़ी सारी तारीफें हुई है। ये हमारी एक तरह से विजन डॉक्यूमेंट है। क्या है? विजन डॉक्यूमेंट है। तो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या सोचा, ओके, क्या प्लान था, ओके, क्या विजन था, क्या ड्रीम था, क्या फैब्रिक बनाना था, उसको समराइज करके एक प्रीएम्बल बनाया गया। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टुडेज डिस्कशन वी विल गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ दिस पार्ट कि कैसे हमें प्रीएम्बल को यूटिलाइज करना है, नॉट ओनली इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटी एंड द गवर्नेंस एटसेट्रा बट ऑल्सो इसका आंसर कैसे लिखना है। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड चिल आउट एंड यू विल रियली एंजॉय दिस एंड हम इस बात को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम पहले करेंगे प्रीएम्बल। अब पहले इसके लिए कथा सुनो। कथा सुननी? हाँ बिल्कुल, कथा सुनो, बड़ी जबरदस्त कथा। सो 9 दिसंबर 1946 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट डे और द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू साहब ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। वो पास होते होते 22 जनवरी 1947 हो गया जब ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ। और उसके बाद हमने एक प्लान के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया। उसमें डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ और कंसेंसस होने के बाद हमने इसको अडॉप्ट किया। कितनी कोइंसिडेंस है कि आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 14 अप्रैल है, उस महान आदमी का की जयंती जिनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ, दैट इज बाबा साहेब अम्बेडकर। तो हम सब की तरफ से एंड आई हम्बली यू नो सबमिट माई सेल्फ टू द विजडम ऑफ दिस ग्रेट मैन एंड दिस इज आई पे माई हम्बल ट्रिब्यूट टू दिस ग्रेट 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 ग्रेटेस्ट मैन पॉसिबल, दैट वॉज बाबा साहेब। तो आज ही पढ़ाना था मैंने तुम्हें प्रीएम्बल, बताओ कितना अच्छा कोइंसिडेंस है। शुभ है, शुभ मुहूर्त है। सो हम लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और 26 नवंबर 1949 को जब हमारा लास्ट स्टेप हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम हो गया, सब कुछ हो गया, थर्ड रीडिंग खत्म हो गई, फिर हमने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया। तो प्रीएम्बल डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेजेस में लेकिन अडॉप्ट किया गया है इन द लास्ट डे ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये अपने आप में बड़ी विचित्र चीज है क्योंकि जो प्रीएम्बल है फिर ये हो गया समरी, ये हो गया द लास्ट पोर्शन, द लास्ट वेरी लास्ट स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द वन विच विल बी कॉल्ड एज प्रीएम्बल। लेकिन नाम से क्या लगता है? नाम से लगता है प्री। तो एक्चुअली इसका रीजन ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में जब बनाया था तो उन्होंने प्रीएम्बल से इसकी शुरुआत की थी, आगाज किया था। तो वो ऑब्वियसली था वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने जब अपना प्रीएम्बल अडॉप्ट किया हम मोटिवेट जरूर यूएसए से हुए थे
लेकिन हमारा प्रियम्बल दो मायने में अलग है. एक ऑब्वियसली दैट द प्रियम्बल हमारा इज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, एंड फाइनली हमारा प्रियम्बल इज नॉट द प्लान अकॉर्डिंग टू विच द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, इट इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वंस इट वॉज मेड कम्प्लीटली. आई होप मैं इस बात को तुम्हें समझा पाया हूँ. ऑलराइट, दैट मेरा प्रियम्बल पीआरई होने के वजह बावजूद वो पीआरई नहीं है. ओके, वो लास्ट में समराइजेशन के फॉर्म में यूटिलाइज हुआ हुआ है. सो वाई अगर बोला जाए तो इसका सिंपल सा आंसर जो मैंने अभी अभी दिया था, इट इज माई विजन डॉक्यूमेंट. ये एक तरह से मुझे समराइज कर रहा है कि क्या बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है मेरा एक जनरल ह्यूज विजन. ये एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, ये एक पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है. दिस इज द लाइट हाउस और द की टू अनलॉक द माइंड ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब तुम्हें बहुत सारी बातें लग रही होगी कि ये एक्चुअली तो क्वेश्चन ही बता रहे हो, तो अगर प्रियम्बल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते तो इन्हीं स्टेटमेंट्स में से आ जाते हैं. सो इसीलिए प्रियम्बल बनाने का हमने प्लान हुआ कि हमें ये एक प्रियम्बल होना जरूरी है. अब वॉट क्या है, अब वॉट में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि तुमको पूरा का पूरा प्रियम्बल मेमोराइज कर लेना पड़ेगा, वर्ड बाय वर्ड, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, तभी तुमको ये काम आएगा. बिकॉज अदरवाइज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हम लोग मिस ना कर जाए. तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये preamble हमको as it is याद होना जरूरी है, तब हमको ये इस words को interpret करना आसान हो जाता है. तो पहले तो सबसे important है कि तुम इसको memorize कर लो, because memorization करते करते मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी. तो प्रियम्बल बनाने का फायदा क्या हुआ, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि प्रियम्बल बनाने का फायदा क्या हुआ. सो पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं कि प्रियम्बल क्या नहीं है. सो नंबर वन, प्रियम्बल जो नहीं है वो कोई प्लान नहीं है जिसके तहत कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया, ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हुआ. पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, फिर उसको समराइज करके प्रियम्बल बनाया गया. तो नंबर वन ये है. नंबर टू, प्रियम्बल इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर और द सोर्स ऑफ लिमिटेशन फॉर, दैट इज नाइदर द सोर्स ऑफ पावर और द सोर्स ऑफ लिमिटेशन फॉर द गवर्नमेंट और द स्टेट. ओके, फिर प्रियम्बल क्या है सर, हद हो गई, फिर प्रियम्बल है क्या. प्रियम्बल मेरा विजन डॉक्यूमेंट है जो एक लाइट हाउस की तरह बिहेव करता है. ओके, लाइट हाउस की तरह से बिहेव करने का मतलब क्या है, मतलब व्हेन इन डाउट, जब तुम्हें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन में शक हो कि हे भगवान ये लिखा क्या है, क्या बोला गया है, क्या समझा जा रहा था, क्या लग रहा था फाउंडिंग फादर्स को ये बनाते टाइम, क्या सोचा उन्होंने, तब तब सिर्फ जब व्हेन यू हैव अ डाउट इन दिस, उसी टाइम तभी तुम्हें प्रियम्बल की तरफ देखना चाहिए. सो प्रियम्बल की तरफ देखने का तब हालात आते हैं जब व्हेन यू आर इन डाउट. अदरवाइज नॉर्मल हालात में, नॉर्मल सिचुएशंस में आपको प्रियम्बल की तरफ देखने की जरूरत नहीं है. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू नो दैट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस प्रियम्बल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है विद रिगार्ड्स टू अंडरस्टैंडिंग और टू गेट एनी सोर्स ऑफ पावर और लिमिटेशन फॉर द स्टेट और द गवर्नमेंट. देखिए, जब डाउट हो, जब तुम्हें पक्का नहीं समझ में आ रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जाने क्या लिखा हुआ है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, तो देन यू लुक एट द प्रियम्बल जो लाइट हाउस है, उसकी रिफ्लेक्शन में देखो, उसकी रोशनी में देखो कि क्या फाउंडिंग फादर्स सोच रहे होंगे, एंड दैट इज वाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑन दिस पार्ट. अब इसमें हमको कनेक्शन करने पड़ेंगे. कैसे कनेक्शन, अब हमको एक एक वर्ड को कनेक्ट करना पड़ेगा, वरना ये बात हो जाएगी गड़बड़. तो मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से पूरी कथा. So, यहां से पहला वर्ड इज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व्ड. तो वी द पीपल वर्ड से समझ में आ रहा है दैट द सोर्स ऑफ पावर इज द पीपल देमसेल्व्स. ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, बिकॉज हम इतने सालों से, इतने सेंचुरी से एक्चुअली हम लोग कॉलोनाइज थे, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दैट यू हैव पीपल एज द सोर्स ऑफ पावर, इसको ऑटोक्टोनी बोला जाता है. अब आगे चलते हैं.
So we the people of India having sovereign resolve to constitute India into a sovereign. यार वैसे पता नहीं तुम लोग ये पढ़ते पढ़ते समझ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो. ओके सो अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ वी द पीपल देखोगे बेटा एक बात सोचो थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के करोगे थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा इमोशनल होगे 1% ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियनाइजेशन होगा तुमको बड़ा ही अजीब लगेगा. क्या यार इतने सालों के बाद इतने सालों के बाद ओके हमें पहली बार मौका मिला ऑफ सेइंग वी द पीपल हैविंग सॉलेम्न रिजॉल्व. सोच के देखो माय फ्रेंड इन तीन शब्दों में एक दास्तान छुपी हुई है एक इमोशन छुपा हुआ है कि यार हम लोग कॉलोनाइज थे हमको गुलाम बना के रखा गया था वो भी फॉरेन पावर ने हमें अपने ही देश में गुलाम बनाया हुआ था हमें अपने ही देश में एक सेकेंडरी सिटीजन की तरह बिहेव किया जाता था. और फिर वो बड़ा दिन आया जब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा वी द पीपल बहुत बड़ी बात है फ्रेंड. और उसी के स्पिरिट में स्टार्ट होता है सॉवरेन कि सॉवरेन मीन्स दैट वी विल नॉट बी अफेक्टेड और रादर वी विल नॉट बी अंडर एनी फॉरेन पावर. सो हाँ जो भी डिसीजन होगा वो हमारा अपना होगा. हाँ जैसे यूनाइटेड नेशंस वगैरह वो लोग हमको एडवाइस कर सकते लेकिन जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता. वी आर गोइंग टू डू इट बाय आवरसेल्फ्स. सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू सॉवरेन. अब मैं दो वर्ड्स बाद में करता हूँ बिकॉज वो बाद में आए थे. वन वॉज जो ओरिजिनल वर्ड्स थे वो थे डेमोक्रेटिक एंड द अदर वन वॉज रिपब्लिक. तो आई होप ये तो तुम्हें मालूम ही है डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल. अब जब मैं इसको क्लासेस में करता हूँ ना तो हम इसको काफ़ी डिटेल में चले जाते हैं कि क्यों डेमोक्रेटिक है और क्यों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और क्यों सिर्फ डेमोक्रेटिक नहीं है क्या डिफरेंस था इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर विद रिगार्ड टू रिपब्लिक एंड जवाहरलाल नेहरू विद रिगार्ड टू रिपब्लिक एंड ज्योतिबा फुले स्कूल ऑफ थॉट क्या था विद रिगार्ड टू द वर्ड रिपब्लिक. क्या रिपब्लिक का डेफिनेशन इज ओनली दैट इट इज नॉट मोनार्की. ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है सोचने वाली बात है. रिपब्लिक क्या जी जो रिपब्लिक ये है कि मोनार्की नहीं है. इज इट दैट ओनली या फिर रिपब्लिक इज समथिंग दैट इट इज एक्चुअली सिटीजन सेंट्रिक. तो इसमें अब ऑब्वियसली मैं इतने से टाइम पीरियड में ये सब डिस्कस तो नहीं कर सकता बट फॉर द टाइम बी यू कैन अंडरस्टैंड रिपब्लिक का बिल्कुल बेसिक मीनिंग समझना है. तो रिपब्लिक का मीनिंग ये हो गया दैट द पब्लिक ऑफिसर्स विल बी ओपन टू ऑल. ओके एंड दैट द हेड ऑफ द स्टेट विल बी अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. अब क्या ये सिर्फ इतनी ही बात है कि हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां पर कहानी खत्म कर दो. तो ऑब्वियसली है ना सर ये तो मोनार्की नहीं है राजाशाही नहीं है इंग्लैंड जैसे क्वीन किंग एंड क्वीन नहीं है तो हम रिपब्लिक है. इज दैट दैट ऑल और इज देयर मोटिव. तो ऑब्वियसली एज आई सेड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डिस्कस ओवर देयर बिकॉज वो हम लोगों ने आधा पौना घंटा तो सिर्फ इसी बात पर डिस्कस किया हुआ. तो आई वी वेलकमिंग एवरीवन कि प्लीज वो प्लस क्लासेस के वीडियोज देख लो तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोस पार्ट्स अगेन. डेमोक्रेटिक आई होप सबसे अच्छा है कि मैं लिंकन साहब की डेफिनेशन को कवर कर लूँ. That is government by the people, of the people and for the people. So ये छोटा सा point है जो तुम्हें मालूम है लेकिन ये definition बड़ी पुरानी होने के साथ साथ कुछ हद तक incomplete भी है because actually हमको इससे बहुत सारी चीज़ें procedurally नहीं समझ में आती. rhetorically तो समझ में आ जाती है लेकिन procedurally नहीं समझ में आ रही. So we should not pepper our statements only with the rhetoric. It should also be specked with facts, okay, and the actual procedure. तो वो जो फैक्ट्स एंड प्रोसीजर है वो है फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन. तो डेमोक्रेसी का एक्चुअली मतलब होता है दैट यू शुड हैव फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन दस एसर्टेनिंग दस इंश्योरिंग दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर गिविंग देयर कंसेंट टू द गवर्नमेंट टू रूल देम. वाओ मैन क्या तुम समझ सकते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट. जबकि डेमोक्रेसी के बारे में 200 तरह के क्रिटिसिज्म होता है. इनफैक्ट विंसन चर्चिल भी बोलते थे जबकि वो खुद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था लेकिन ही यूज्ड टू से अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ही सेड द डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इफ वी स्टार्ट इग्नोरिंग ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. बताओ मतलब आई डोंट नो यू नो एक्चुअली इज डेमोक्रेसी द बेस्ट पॉसिबल थिंग. नोबडी इज सेइंग दैट बट यस इट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग from all the other types of government that we have already chosen and rejected. So, दुनिया में कुछ ऐसा पॉलिटी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता
कि तुम पहुंच गए बिल्कुल एक्सट्रीम एंड, देयर इज ऑलवेज अ चांस फॉर इम्प्रूवमेंट, बट आज के सिचुएशन में हमारे पास इससे अच्छा और कोई स्कोप है नहीं। सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑलराइट। सो नेक्स्ट इज, तो वापस आ जाते हैं, ठीक है, तो अब यहां पे ज्यादा हो गया था। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वेंट रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब एक्चुअली अब तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो तो तुम्हें मालूम है कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ अब दो वर्ड्स और आ गए, वन इज सोशलिस्ट एंड वन इज सेक्युलर। ओके, एक्चुअली तो थर्ड वर्ड है पर वो नीचे है। ओके, तो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर कहाँ से आए? ये आए मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट से, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। सो पार्लियामेंट ने, जब मैडम इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में तीन वर्ड्स डाले थे इन द प्रीएम्बल, इंसर्ट किए गए थे। वन वॉज सोशलिस्ट, वन वॉज सेक्युलर और एक थर्ड वर्ड था इंटेग्रिटी, जो यूनिटी के साथ लगा दिया गया था। तो ये भी याद रखना कि तीन वर्ड्स डाले गए थे, बहुत सारे लोगों को लगता है दो ही वर्ड्स है। सो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एज वेल एज इंटेग्रिटी डाल दिया गया। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सर सोशलिस्ट क्यों डाला? अब जो मेन कॉन्सेप्ट, अगर मैं सुभाष कश्यप की स्टेटमेंट को कंसिडर करूंगा तो उनकी स्टेटमेंट के अनुसार सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो ये सारे वर्ड्स डाले गए थे ओनली टू मीट अ पॉलिटिकल एजेंडा। ओके, ये केवल एक पॉलिटिकल नैरेटिव था। ओके, सो फार एज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, तो भाई इतने को टेंशन की जरूरत थी नहीं, बिकॉज डॉक्टर अम्बेडकर हैड ऑलरेडी इंक्लूडेड द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट, आवर डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म इन द प्रीएम्बल इटसेल्फ। तो अगर तुम प्रीएम्बल को देखोगे तो हम आगे चढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉवरेन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अगर तुम इस वर्ड को देखोगे, इस बात को कॉन्सेंट्रेट करोगे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो भाई ये जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है ना, ये गांधीयन सोशलिज्म है। दिस वॉज गांधीयन सोशलिज्म। हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म है वो हेविली टिल्टेड है टूवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म। सो अबाउट 80-90% ऑफ सोशलिज्म कॉन्सेप्ट जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं इंडिया में वो गांधीयन सोशलिज्म है। हाँ, थोड़ा बहुत मार्क्सिस्ट भी है, जैसे हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, बहुत सारे हमारे बैंक्स नेशनलाइज्ड है एंड सो ऑन। तो वहाँ पे रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट है, माना, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं है। सो डॉक्टर अम्बेडकर वॉन्टेड टू अवॉइड आवर सोशलिज्म बींग मिसकंस्ट्रूड एज अ सोशलिज्म ऑफ द कम्युनिस्ट और द मार्क्सियन सोशलिज्म, इसलिए उन्होंने सोशलिस्ट वर्ड यूज किया नहीं था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट में डाल दिया गया। आई डोंट नो वेदर इट इज गुड बैड और अगली, वो सब मेरा काम नहीं है, लेकिन इट इज स्टिल अ पॉलिटिकल नैरेटिव। व्हाई? बिकॉज इसका कॉन्स्टिट्यूशनली कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन टू दिस इज दैट प्रीएम्बल जो होता है वो नॉन जस्टिसिएबल होता है। प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल एज इन द फैक्ट दैट द कोर्ट्स कैन नॉट एनफोर्स इट, लेकिन डाल दिया तो डाल दिया। अब दूसरा वर्ड इज सेक्युलर। अब ये सेक्युलर तो एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में ना ऐसे क्लास स्टार्ट करते हैं, तो मैंने तो मेरे ख्याल से प्लस क्लासेस में 10-12 घंटे पढ़ा दिया होगा सेक्युलरिज्म, बिकॉज ये इतना मेजर कॉन्सेप्ट है और करीब करीब हर टॉपिक में आ जाता है। तो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? सेक्युलरिज्म एक्चुअली सेज द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। व्हाट क्या? कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ कहाँ है? बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ थोड़ा ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कंप्लीट सेपरेशन है। हमारे यहाँ पे सर्वधर्म संभव, द स्टेट विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल रिलीजन्स। ओके, सो सेक्युलर क्यों डाला? ये भी सुभाष कश्यप साहब के हिसाब से इट इज अ पॉलिटिकल नैरेटिव। तो फिर ये क्या बात हुई? तो हम सेक्युलर है कि नहीं है? अरे बाबा, हमारा सेक्युलरिज्म भी डॉक्टर अम्बेडकर ने एक्सप्रेस कर दिया था फ्रॉम द वर्ड लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। लो, हमने तो सेक्युलरिज्म डिस्क्राइब ही किया हुआ था, तो सेक्युलर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, तो अलग से सेक्युलर वर्ड यूज करने की कोई खास आवश्यकता है नहीं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉवरेन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब यहां तक हो गया सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये हो गया नेचर कि इंडिया नेचर में क्या होगा, लेकिन हम अचीव क्या करेंगे। तो सबसे पहले हुआ
सोर्स ऑफ पावर है वी द पीपल। ओके, फिर है वहां की नेचर ऑफ इंडिया क्या हुआ, तो मान के चलो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब जो नेक्स्ट है वो है ऑब्जेक्टिव, कि हम बनाना क्या चाहते हैं, फॉर दैट मैटर हम करना चाहते हैं जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब यहाँ पर ना बहुत मेजर कॉन्सेप्ट आते हैं, तो जस्टिस जो कॉन्सेप्ट है वो तो आई होप यू रिमेंबर केम फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। अब ये ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अब इसको आप वर्ड्स में देखोगे तो फिर मजा नहीं आता, लेकिन इन द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम दैट आई हैव मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता सकता हूँ। तो इसके बहुत सारे सीक्रेट्स है, मतलब सीक्रेट मतलब वेरी वेरियस ब्यूटिफुल थिंग्स हिडन विद इन वन अनदर। सबसे पहले वर्ड जस्टिस डाला गया, और ये जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डाला गया। देखो ये बेटा बड़ा ही रोमांटिक चीज़ है जस्टिस, इसलिए बिकॉज अल्टीमेटली द एम ऑफ अ सिविलाइजेशन हैज टू बी जस्टिस, कि न्याय होना चाहिए, और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल न्याय जब होगा तो इसी वर्ड को फिर से कम्युनिकेट किया गया आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जब बोला था द स्टेट शैल स्ट्राइव टू बिकम अ वेलफेयर स्टेट इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म एवरी स्फीयर ऑफ नेशनल लाइफ। तो यहाँ से बड़ा ही अजीब सा कॉन्सेप्ट आ गया कि वही चीज जो प्रीएम्बल में थी वो डीपीएसपी में ही आ गया, इसलिए कभी कभी बोला जाता है डीपीएसपी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रीएम्बल। फिर आया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब ध्यान से समझने की बात है इसमें भी, तो डॉक्टर अंबेडकर के खुद के वर्ड्स थे दैट द लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी इज गोइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन इन विच द स्ट्रॉन्गर वन और द मेनी विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द फ्यू। इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी will take away the reason why anyone should be excellent. और liberty और equality achieve करके क्या फायदा अगर हम लोग भाइयों जैसे brotherhood की तरह family की तरह ना behave करें। In other words, both of them require fraternity. What a beautiful concept. और तुम्हें मालूम है ये liberty, equality and fraternity actually French Revolution का tagline था। So the very important component कि justice, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कनेक्टेड टॉपिक्स है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक अगर तुम इसको समझने की कोशिश करो, एंड फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे कि लिबर्टी मतलब कौन सा। सो लिबर्टी इज पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी इज दैट आई क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर द बेस्ट वर्जन और द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ यू। नेगेटिव लिबर्टी जो हमारे आर्टिकल 21 में लिखी है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये हो गए दो कॉन्सेप्ट विद रिगार्ड्स टू लिबर्टी, जिसपे क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो यूपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लिबर्टी। उसी तरह से इक्वालिटी, तो हमारे यहाँ पे इक्वालिटी इज नॉट द कॉन्सेप्ट विच इज मैथमेटिकल 1 = 1। नो, यहाँ पर इस कि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी उसको मदद करेगा स्टेट। इन अदर वर्ड्स द स्टेट विल ट्राई टू डू व्हाट इज कॉल्ड एज इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी। ये ब्रदरहुड वाला कॉन्सेप्ट है, दैट इज चाहे तुम कुछ भी हो, चाहे तुम्हें मेरी लैंग्वेज ना समझ में आए, चाहे तुम्हें मेरा रिलीजन ना समझ में आए, कोई बात नहीं, इट इज ऑल ओके, वी आर ऑल इंडियंस। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमारी लिबर्टी का क्या फायदा, हमारी इक्वालिटी का क्या फायदा, हमारे जस्टिस का क्या फायदा अगर हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर ना कर पाए। सो दैट इज द फ्रेटर्निटी पार्ट। सो जब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया था कि व्हाट इज योर फिलोसफी व्हाइल यू वर फॉर्मिंग द प्रीएम्बल, तो उन्होंने बोला था लेट नो वन मेक अ मिस्टेक ऑफ सेइंग दैट माय फिलोसफी इज बेस्ड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात है, बट माई फिलोसफी is based on the concept of religion and religion is based upon liberty, equality, justice and so on and so forth. So ye bahut hi important concept hai, agar humko ye nahi samajh mein aayega to I hope you are understanding, we will not be able to appreciate the entire context. So isko samajhne ki koshish mein isko sab kuch saath mein karna padega,
फिर लास्ट में वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वेंट रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेट एज एन अपॉर्चुनिटी फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन बाय द वे ये इंटेग्रिटी वर्ड आया था 42nd अमेंडमेंट से In our Constituent Assembly on this day of 26 November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So, 26 November 1949 को हमने Preamble को adopt कर लिया था. Preamble को adopt कर लिया था और very small, थोड़े बहुत articles जैसे Article 5, Article 324, etc. इनको हम लोगों ने adopt कर लिया था. But the main part of the constitution was adopted on 26 January 1950. वो इसलिए because हमको पूर्ण स्वराज declaration के साथ coincide करने का thought आया as a reason कि 26 January 1930 को हमने पूर्ण स्वराज declaration दिया था कांग्रेस के session में उसको commemorate करने का उसको recognize करने का ये मौका था hence question आएगा When did India enforce the constitution? Answer was 26 January 1950. When did India adopt, enact or give to ourselves this constitution? Then the idea will be the 26 November 1949. So, beta, point yahan pe ye hai ki this is only bits and pieces of the entire context. There is much to learn. There is much more depth in this part. So, if you are not understanding, then make sure that you completely watch our plus classes, तब तुमको समझ में आ जाएगा तो कुछ चीजें मैंने तुम्हें बता दी है that why 42nd Constitutional Amendment Act 1976 को हमने करने का सोचा नहीं वो एक political narrative था इसके बहुत सारे reason हो सकते हैं okay वो political narrative का बहुत सारे reason हो सकता है and one of those reasons was कि emergency का दौर चल रहा था So that could be one of the ways on this part. Second here is that what? Okay, three words डाले गए थे. तो socialist word डाला गया था, secular word डाला गया था और integrity word डाला गया था. Please don't make a mistake. इसमें दो words लिखकर मत आ जाना. Okay, so make sure that you put both the words. So ये socialist, secular and integrity ये तीन words को यहाँ पर डाला गया था. अब इस पर बहुत सारे criticism आते हैं. Should we adopt? Should we have amended the preamble? Is preamble amendable? Yes, preamble is certainly amendable because Keshavananda Bharti case judgment mein clearly bol diya tha that the preamble is a part of the constitution. The preamble is a part of the constitution, so automatically then it can be amended as and when you require. Okay, but iska result kya hua? Iska koi khas constitutional result nahi hai, as I said, because it is a political narrative, to uska jo bhi effect hai, wo political hoga. लेकिन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी का कॉन्स्टिट्यूशनली कोई प्रोविजन कोई इफेक्ट नहीं है रीजन टू दिस क्या प्रीएम्बल में लिखा हुआ कोई भी चीज जस्टिसिएबल होता ही नहीं है सो व्हेन इट इज नॉट जस्टिसिएबल इट इज नॉट एनफोर्सेबल थ्रू द कोर्ट्स ऑफ लॉ तो ऑटोमेटिकली कहानी चेंज हो जाती है एंड फाइनली द कनेक्शन ये है दैट क्या सोशलिस्ट वर्ड डालना जरूरी था नहीं ओके डालने की कुछ खास जरूरत थी नहीं बिकॉज डॉक्टर अम्बेडकर ने और द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी प्रीएम्बल में हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म समझा दिया था सो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गांधीयन सोशलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म तो गांधीयन सोशलिज्म और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म तो हमारे पास पहले से ही था तो फिर इसको अलग से डालने की क्या जरूरत थी एक और बात है कि जो सेक्युलर वर्ड डाला गया इससे बहुत मेजर खतरा हो जाता है कि लोगों को लगेगा दुनिया को लगेगा कि हमारा कॉन्सेप्ट इज द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म विच इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट ऐसा इंडिया में है ही नहीं वी हैव अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट अगेन अ गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज सर्वधर्म संभाव तो सर्वधर्म संभाव का कॉन्सेप्ट इज इक्विडिस्टेंस ऑफ द स्टेट फ्रॉम द राइट फ्रॉम रिलीजन अदरवाइज दिस एंटायर स्टोरी वुड हैव फॉलन डाउन कंप्लीटली सो ये है कनेक्शन Alright, and integrity obviously is again an entire character. Integrity word भी इसलिए डाला गया था because emergency के दौरान एक नया concept आ गया था and that concept was एक word आ गया था actually that word was anti-national. अब मैं इसके राजनीतिकरण पे तो नहीं बात करूँगा okay because that is not my work but the उस time का जो emergency का हालात चल रहे थे उस time पर जो भी
सरकार के अगेंस्ट जा रहा था उसको एंटी नेशनल माना गया था। तो ये बात बोला गया था कि द फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि यूनिटी भी मेंटेन करो और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन भी मेंटेन करो। सो इसीलिए ये वर्ड को डाला गया था। एज ए सेड, इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं था। अब हमें तीन चार चीजें पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू सम ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स व्हिच हैव अफेक्टेड द प्रीएम्बल। तो हुआ क्या, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ, राइट, और रादर ब्रिटिश इंडिया वॉज पार्टीशन एंड पाकिस्तान बना, तो एक रैडक्लिफ कमीशन ने इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया था, तो उसे बाउंड्री कमीशन बोलते हैं। अब इस रैडक्लिफ कमीशन से एक छोटी सी गलती हो गई, वो छोटी नहीं थी, बड़ी भयंकर हो गई थी, क्योंकि थाना नंबर 12 ऑफ बेरुबारी रीजन ऑफ द न्यू जलपाईगुड़ी रीजन, ओके, जो एरिया एक्चुअली ईस्ट बंगाल में था, राइट, और प्लान ये था अगर ये ठीक से बाउंड्री कमीशन ने काम किया होता तो वो ईस्ट पाकिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन वो रह गया इंडिया में, ओके। तो वो रह गया जब इंडिया में, तो भाई पाकिस्तान तुम्हें मालूम है, तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली अपोज करना स्टार्ट किया, डिप्लोमेटिकली डिमांड करना स्टार्ट किया कि हमारे बेरुबारियों में वापस दो। सो 1958 में नेहरू नून अग्रीमेंट साइन किया गया, और नेहरू नून अग्रीमेंट के तहत जवाहरलाल नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर, अपने काउंटर पार्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ ये अग्रीमेंट दिया कि वो बेरुबारी का एरिया दे देंगे और देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ कॉन्क्लेव्स एंड एन्क्लेव्स। अब इसमें एक सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि हमारा जो वर्ड है प्रीएम्बल, उसमें लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वेंट रिजॉर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू सॉवरेन। अब सॉवरेन का मतलब है, तो मैं यहां से फिर से कोशिश कर सकता हूँ, सॉवरेन मतलब क्या पाकिस्तान के साथ हुआ हुआ एग्रीमेंट मैं एक पार्ट दे दूं तो क्या वो सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाता है, नंबर वन। नंबर टू, क्या जब मैं आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखता हूँ तो कैन आई से दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये शैल बी वर्ड है, तो अगर मैं ये शैल बी वर्ड को ध्यान दूं तो क्या मैं कोई एक पार्ट ऑफ इंडिया को सीड अवे कर सकता हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ किसी को, बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। और थर्ड कॉन्सेप्ट भाई, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉवरेन रिजॉर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो क्या एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, राइट, वो अपनी पावर यूज करके सीड अवे कर सकती है किसी टेरिटरी को, कितने सारे सवाल है। बिकॉज अगर मैं आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखूंगा, बेटा तुम नोटिस करो कि कितना डिटेल में जाना पड़ता है एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ओके, तो ऊपर ऊपर से पढ़ के कुछ फायदा होने वाला है नहीं, तो ये हम लोगों ने प्लस क्लास में बहुत ज्यादा किया हुआ है। सो दोज ऑफ यू जो प्लस में अटेंड किए हुए हैं उनको तो ये बड़े आराम से समझ आएगा, रेस्ट ऑफ यू प्लीज वॉच दोज वीडियोस और फिर समझने की कोशिश करो। सो आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, इंक्रीज इन द बाउंड्री, डिक्रीज इन द बॉडी, ऑल्टरेशन एंड ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट्स की बात हुई है। तो द मेजर कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर है दैट इज ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट क्या हम ये सीड अवे कर सकते हैं कि नहीं। अब ये एक तो ये बात हुई, दूसरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ था प्रेसिडेंट नॉट ओनली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बट ऑल्सो ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बेरुबारी इंसिडेंट 1958 ऑनवर्ड्स। तो उस दौरान डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर बड़ा प्रेशर हो गया, बिकॉज बेरुबारी के लोग बड़े अपोज करने लगे जब ये बात फैलने लगी कि तुम बेरुबारी को पाकिस्तान को दे देने वाले। तो मजबूरी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पावर्स यूज की अंडर आर्टिकल 143 और एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कर दिया टू द सुप्रीम कोर्ट टू क्लैरिफाई कि क्या बेरुबारी कैन बी गिवन बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर उसके लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। सो बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिकल 143 रेफरेंस में बोला कि नो, द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तुम उससे डायरेक्टली पावर लेकर बेरुबारी नहीं दे सकते। इन अदर वर्ड्स, तुमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा एंड ओनली देन विल यू बी एबल टू गिव अवे बेरुबारी। और इसीलिए मजबूरी में द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 पास किया गया सून आफ्टर द बेरुबारी जजमेंट, और फिर ही बेरुबारी सीड अवे की गया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट या फिर ये डिसीजन एरोनियस था, सो देयर वॉज अ फ्लॉ इन दिस पार्ट, और दैट फ्लॉ वॉज करेक्टेड इन द 13 ईयर्स टाइम पीरियड ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द केशवानंद भारती केस,
ऑफ 1973, अगर तुम्हें याद है तो ये वही वाला केस है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर फेमस हुआ। सो केशवानंद भारती केस में यही डिस्क्राइब हुआ दैट द कॉन्टेक्स्ट थ्योरिस्ट, ओके, दैट द कॉन्टेक्स्ट थ्योरिस्ट दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहां पर कहानी चेंज हो गई दैट प्रीएम्बल को मान लिया गया एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जबकि बेरुबारी में बोला गया था इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो अगर ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो तुम इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। दैट इज इसी की वजह से 3 साल के बाद जब मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको अमेंड कर लिया बिकॉज इट वॉज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ ब्यूटिफुल। सो इसी से समझ में आ गया दैट प्रीएम्बल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज कॉल्ड एज द लाइट हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की टू अनलॉक द माइंड ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जैसे जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया इसकी सारी डिस्क्रिप्शन तुम्हें अब मालूम होनी चाहिए, तो सिर्फ बेरुबारी केस मत याद कर लेना, उसकी डिस्क्रिप्शन समझ लेना विद रिलेशनशिप टू द प्रीएम्बल। देन यू मस्ट ऑल्सो अप्रिशिएट इन द लाइट ऑफ केशवानंद भारती केस वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल एंड ऑफकोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अमेंडेबिलिटी एंड कैन यू और कैन यू नॉट डू इट। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरनेशनल जो मैंने तुम्हें बता दिया है वी वर अडॉप्टेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। However, in the United States of America, it's a different issue because that was the first step in the formation of the Constitution. Here in India, we have a different concept because first we wrote the entire Constitution and then we summarized it. So, I hope tumko samajh mein aaya ki isko karna kaise hai. Okay, simple sa structure banaoge, to pehle sare dates and events yaad kar lo. Okay, jitne bhi dates and events hai yaad kar lo, to start kar lo. So, starting 9 December 1946 se start karo kahani. Okay, make sure that you remember सारे के सारे वो dates. Okay, gradually get into ये हो गया फिर 13 December, फिर 22 January 1947, फिर first reading, second reading, third reading हो गई 26 November 1949, फिर 20 यहाँ पर क्या हुआ था, फिर 26 January 1950 को क्या हुआ था, you can do this. फिर बेरुबारी cases के years, केशवानंद भारती years, first time amendability किया गया, तब क्या किया गया and so on and so forth. Make sure that you know this part. फिर अमेंडमेंट्स, अब ये अमेंडमेंट्स का है कि ये एक ही बार हुआ है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि कितने बार अमेंडमेंट्स हुए, तो घबराना मत, हुआ एक ही बार है लेकिन 3 चीज़ें ऐड की गई है। सो 42nd अमेंडमेंट, फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उसका फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ। फिर हर टर्म, एवरी टर्म, ये पार्ट शायद तुम्हें देख नहीं रहा होगा मैंने मेरे वीडियो की वजह से, सो एवरी टर्म को तुमने अप्रिशिएट करना है। एवरी टर्म मीन्स एवरी टर्म, We the people of India से लेकर all the way to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. फिर सबसे important है, अभी शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, okay? लेकिन तुम्हें connect करना है to other parts of the constitution of India. तुम्हें बाद में पता चलेगा कि preamble करीब करीब हर part of the constitution का connect होना चाहिए. So it should come like ये preamble पढ़ा, ये different part पढ़ा and tuck it should get connected. Alright. So terminologies को connect करो कि secular का actually meaning क्या होता है. ओके, क्या इंडिया के डेफिनेशन है, क्या वेस्टर्न डेफिनेशन है, सोशलिज्म का क्या इंडिया के डेफिनेशन है, क्या मार्क्सिस्ट डेफिनेशन है, जस्टिस का एक्चुअली क्या डेफिनेशन है इंडिया में और रशिया में, ओके, क्या डीपीएसपी में इसका कुछ और कॉन्सेप्ट है। फिर जजमेंट्स विच इज रिलेशन टू द प्रीएम्बल, तो इसमें ऑब्वियसली बेरुबारी केस हो जाएगा 1960 का, एक केशवानंद भारती केस, बट देन यू हैव टू अप्रिशिएट ईच ऑफ देम कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ दिस, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों डाला गया था और क्यों नहीं डाला गया था, ऑल दीज पार्ट्स। तो बेटा मैं फिर ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो सिलेबस पढ़ोगे, ओके, सिलेबस पढ़ना है इससे तो एग्जाम पास नहीं होने वाले। इफ़ यू रियली वांट एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड प्रिपरेशन यूज द कोर्स सेट लाइक एंड जॉइन अस, इट विल गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एज इन क्रैकिंग दिस एग्जाम, अ रियलिस्टिक चांस ऑफ मेकिंग थ्रू दिस एग्जाम। यूज द कोर्स सेट लाइक माई फ्रेंड्स, SIDLIVE एंड यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट। And those of you जो optional भी साथ में choose कर रहे हैं, मैं अभी भी suggest करूँगा choose a combo course, तो combo course में तुम्हारे बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे and तुम्हारा फायदा भी हो जाएगा। So in the words of an academy my friends, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind, and next time we will start with citizenship. So the next topic for us would be citizenship. Make sure that your topic revise कर लेना and I will see you. Thank you very much. God bless and Jai Hind.